स्प्रिंग का एक हरकत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो स्प्रिंग की हरकत है, इसकी ये इस स्प्रिंग की इस हरकत को हम कहते हैं एहतजाज। एहतजाज में क्या होता है असल में कि इसके अंदर ना जर्रा, अगर कोई हम जर्रे की बात कर रहे हैं, इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं किसी स्प्रिंग की, या फिर हर वो चीज़ जो एहतजाज करती है, ऑसिलेशन परफॉर्म करती है, उसकी हम यहाँ पर अगर बात करें, तो जैसे कि आप शक यहाँ पर ये स्प्रिंग है, इसके अंदर ना इसकी एक मेन पोजीशन होती है और एक्सट्रीम पोजीशन होती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं औसत मकाम और इंतहाई मकाम। तो शक्ल में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्प्रिंग है, ये जो इसका इधर वाला पार्ट आप देख रहे हो, एक मिनट मैं इसको आपको और जूम करके बताता हूँ स्प्रिंग के मोशन। देखिए यहाँ पर आप जो शक्ल में देख रहे हैं, ये जो स्प्रिंग है ना, अगर हम इसको रोक दे, पहले थोड़ी देर के लिए मैं इसको रोक देता हूँ। देखो जहां से ये हरकत करना शुरू कर रहा है, मतलब एक जगह इसकी जो है ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इस तरीके की जो इसकी हरकत हो रही है ना, यहाँ पर ये जो हरकत इसकी है, इसे हम एहतजाज हमने बोले हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसकी एक मेन पोजीशन होती है और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। मेन पोजीशन किसे कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन किसे कहते हैं, यानी उर्दू में इसको हम कहते हैं औसत मकाम और इंतहाई मकाम। औसत मकाम वो मुकाम होता है जो इसका ओरिजिनल मुकाम होता है शुरू में पहले, और इंतहाई मुकाम वो मुकाम होता है जो जहां तक कि वो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम कंसेप्ट को समझते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, एहतजाज क्या होता है, हमने अभी ये समझा है उस स्प्रिंग के जरिए से। अब यहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। साइड में हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं एक छोटा सा, और उसमें समझते हैं इसको। जैसे मैं अगर बोलूँ कि एक जर्रा है, पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, स्प्रिंग का ही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, क्योंकि स्प्रिंग का जो मोशन हमने देखा है ना, उससे अपने को ये आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला हूँ आपको कि मैंने एक जर्रे को इस तरीके से, मीन्स स्प्रिंग है यहाँ पर, एक मिनट पहले इसको रफ करते हैं। तो जैसे मैंने बोला हूँ आपको, एक हमने क्या किया यहाँ पर, इस तरीके से एक सपोर्ट लिया है और उसको ऐसे स्प्रिंग के साथ, उसको क्या किया, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच कर दिए। अब स्प्रिंग अटैच करने के बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर कुछ लोड यहाँ पर लगा दिया। लोड मतलब कुछ यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा मास लगा दिया, उसके ऊपर वजन लटकाया, क्योंकि वजन लटकाऊंगा तो वजन के वजह से ही वो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं। चलो मान लो कि जो जिस्म है, जो जो मास है ना, यहाँ पर लोड लगा हुआ है इसके ऊपर, जो हमने कमियत लगाए हैं इस जगह पर है। ये जो मुकाम, इसका मुकाम है ये वाला जो मुकाम अभी जिस जगह पर है, ये इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मीन पोजीशन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं इसको औसत मकाम। औसत मकाम। अब औसत मकाम से अगर जर्रे को हम क्या करें, नीचे की जानिब लेकर जाए, ठीक है, औसत मकाम से हम क्या कर रहे हैं, जर्रे को नीचे की जानिब लेकर जाए। अब नीचे की जानिब हम इसको जब लेकर जाएंगे, तो क्या होता है कि जर्रा, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, ये जो है ना, इसको समझ लो मैंने यहाँ से इस जगह से थोड़ा यहाँ तक के लेकर आया, यहाँ तक के लेकर आया, ठीक है। अब यहाँ पर लाने के बाद मान लीजिए ये जो है ना, इसकी ओरिजिनल पोजीशन तो ये जगह पर थी, मैंने यहाँ तक ये खींच के लेकर आ गया। तो मैंने इसको जो यहाँ से यहाँ तक के लेकर आया हूँ, ऐसा करने के लिए हमने क्या किया है, कुछ हटाव लगाया है यहाँ पर, कुछ हटाव किया है। तो स्प्रिंग जो था, जो लोड था, जो यहाँ पर था, उसको मैंने यहाँ तक के लेकर आया हूँ। यहाँ से लाने के बाद भी मैंने इसको क्या किया, यहाँ से फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब जब मैं देखूंगा कि ये जो जर्रा है, यानी ये जो बॉब है, मास जो लगा हुआ है इसके साथ में लोड, ये क्या होगा, ऊपर की जानिब जाएगा, है ना।
नीचे आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, नीचे आता है, ऊपर की जानिब जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका अमल ये चलता रहता है। ये जो इसका अमल जो है ना, ऊपर नीचे ये जो चलता रहता है, क्या होता है असल में कि जब कभी कोई जर्रा इस जगह पर है, मान लीजिए मैंने उसको क्या किया, स्प्रिंग को यहाँ तक के खींचा, जर्रे को मतलब वो स्प्रिंग को यहाँ तक के खींचा, यहाँ खींचने के बाद मैं देखूंगा कि वो जब छोड़ूंगा ना उसके यहाँ से, वो फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस तरीके की हरकत करता रहेगा। जो ऊपर नीचे की इसकी जो हरकत चलते रहती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एहतजाज कहते हैं, ऑसिलेशंस। यानी ऑसिलेशन में क्या होता है कि जर्रे का जो हरकत है, ये जो स्प्रिंग के साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्प्रिंग वाला जो मोशन है ना, वो डेली लाइफ का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और इसके लिए हमें आसानी से समझ में भी आता है। अब मैंने यहाँ पर जैसे बोला हूँ आपको कि जर्रा जो है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ये सब किसके हो रहा है अबाउट, ये हो रहा है इस मीन पोजीशन के, औसत मकाम के। तो जहां तक कि ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं इसका आखिरी मुकाम, ये वाला जो है ना इसका आखिरी मुकाम है, ये जहां तक के जाता है, और ये वाला जो है इसका मेन पोजीशन यानी औसत मकाम, जहां से हमने शुरुआत की थी। तो ऊपर जाता है नीचे आता है, तो इसे हम कहते हैं इसका औसत मकाम। अब हम बात करते हैं कि अगर इसको डेफिनेशन के थ्रू यानी इसकी तारीफ के थ्रू अगर अपन एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होता है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं LSHM यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसको उर्दू में कहते हैं हम खती सादा मौसी की हरकत, खती सादा मौसी की हरकत यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो खती सादा मौसी की हरकत क्या होती है कि यहां पर अगर कोई जर्रा है, अगर मान लीजिए कोई जर्रा है जो इस तरीके से एक ही लाइन के ऊपर यानी एक ही खत के ऊपर, एक ही खत है ना, जाहिर सी बात है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पूरी इसकी हरकत जो रही है ऊपर नीचे ये जो हो रही है ये खत के ऊपर हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं सादा मौसी की हरकत। ठीक है, इस SHM को ही हम क्या कह रहे हैं, सादा मौसी की हरकत, ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, इसे हम कहते हैं उसकी सादा मौसी की हरकत। और एक ही लाइन के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि नीचे ऊपर जो हो रहा है वो एक ही लाइन के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए हम उसके क्या कहते हैं, उसकी खती सादा मौसी की हरकत। तो यहाँ पर ये क्या है ना, खती सादा मौसी की हरकत हो गई। अब खती सादा मौसी की हरकत के अगर हम यहाँ पर ये हो गया इसका खती सादा मौसी की हरकत, दो तरीके की मौसी की हरकत हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एक होता है लीनियर, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं SHM यानी SHM लीनियर, लीनियर बोले तो लाइन पर, लीनियर SHM। और इस चैप्टर का जो आखिरी में हम लास्ट पार्ट देखेंगे वो है एंगुलर SHM, एंगुलर SHM। एंगुलर SHM क्या होता है, एंगुलर SHM को हम कहते हैं जावियाई, नहीं है हाँ हाँ ठीक है, आता आता मैं जाऊँ। एंगुलर SHM क्या होता है, जावियाई सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जावियाई सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ेंगे आगे, अभी हम बात करते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो चलो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लगा रखा हूँ इसके अंदर, ये इसलिए मैं देता हूँ ताकि जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझाने में आप लोगों को भी आसानी हो जाए और आपको भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको सादा मौसी की हरकत किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ऐसी दोहरी हरकत जिसमें चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसी दोहरी हरकत जिसमें तो हम बात कर रहे थे ऐसी दोहरी हरकत चलिए डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, ऐसी दोहरी हरकत जिसमें जर्रा अपने औसत मकाम से आगे और पीछे की जानिब हरकत करता है, ऐसी दोहरी हरकत जिसमें
जर्रा क्या है? अपने औसत मकाम से आगे और पीछे की जानिब बोलो, या फिर ऊपर नीचे बोलो, एक ही लाइन के ऊपर, ठीक है ना? एक ही लाइन के ऊपर अगर वो ऊपर नीचे की जानिब हरकत कर रहा है तो उसे हम कहते हैं उसकी सादा मौसीकी हरकत। और एक ही लाइन के ऊपर हो रही है इसलिए उसको बोलते हैं उसकी खती सादा मौसीकी हरकत। अगर रास्ता खते मुस्तकिम हो तो इस हरकत को खती सादा मौसीकी हरकत कहते हैं, ठीक है? अगर रास्ता खते मुस्तकिम, मतलब एक ही लाइन के ऊपर अगर हरकत हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी खती सादा मौसीकी हरकत कहते हैं। तो खती सादा मौसीकी हरकत के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो यहाँ पर देखिए, हमने इसको एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बता ही दिया हूँ आपको क्या है, स्प्रिंग वाला मोशन है। उसके बाद में जो सुई धागा जो होता है, हम देखते हैं सुई जो होती है मशीन के अंदर, ये पेन लो आप, चलिए हम आगे बढ़ते। तो जैसे मैंने आपको बताऊं, मैं लेक्चर ले रहा हूं ना बेटा, खती सादा मौसी की हरकत के बारे में मैंने आपको जैसे बताऊं कि इसकी जो है सुई धागे की एग्जांपल हम ले रहे हैं। सुई धागा जो, यानी सुई धागा मीन्स सुई धागा बोले तो मशीन वाली सुई की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि जर्रा सुई जो होती है वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, वो इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है? कि उसमें क्या होता है, सुई जो है ऊपर नीचे जा रही है, वो इसकी एक एग्जाम्पल है। सिंपल पेंडुलम जो होता है, सिंपल पेंडुलम हम आगे पढ़ने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे कि आपको मैं आगे ये भी बताऊंगा, अति सादा मौसी सिंपल पेंडुलम। अति सादा मौसी की हरकत के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि अगर यहाँ पर ऐसे मैंने एक पेंडुलम लिया इस तरीके से, सादा मौसी सादा रक्कास जिसको हम कहते हैं, और इसको मैं यहाँ तक के ले जाकर यहाँ से छोड़ दूँ, तो मैं देखूंगा कि ये इस तरीके से हरकत करेगा, ठीक है ना? ये इस तरीके की हरकत करेगा। इस हरकत को भी हम क्या कहते हैं, उसकी सादा मौसी की हरकत कहते हैं, ठीक है? और ये भी हमारी जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही आती है एग्जाम्पल। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया हूँ आपको इसके। अब दौरी हरकत किसे कहते हैं, ये आपको सिर्फ ऊपर ही वैसे ही आपको बता देता हूँ, दौरी हरकत किसे कहते हैं यानी पेरोडिक मोशन किसे कहते हैं। तो ऐसी हरकत जो यकसा वक्फे में बार बार दोहराई जाती है, ठीक है? ऐसी हरकत जो यकसा वक्फे में, कुछ वक्फे में बार बार दोहराई जा रही है, जैसे जैसे वो मैं आपको एग्जांपल अगर दूँ सर्कुलर मोशन की, दायरी हरकत हमने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था कि दायरा जो है बनता है जो इस तरीके से, तो उसमें क्या होता है कि एक जर्रा जो होता है वो क्या होता है, बार बार एक ही जगह से, कोई अगर दायरा जर्रा है जो दायरी हरकत कर रहा है, पर ऐसे मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया मैंने, और मैंने बोला आपको कि एक जर्रा है जो इसके ऊपर क्या है, हरकत कर रहा है। तो मैंने बोला यहाँ से ये गया और वापस इस जगह पर आया, तो क्या है, ये जारा जो है वापस उसी जगह पर आ रहा है घूम फिर कर। तो जब जा रहा है और वापस आ रहा है उस जगह पर, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो जर्रे की हरकत हो रही है जिसमें ये जाता है जिस जगह से वापस उसी जगह पर आता है, वैसी हरकत को हम कहते हैं दोहरी हरकत। तो ये दौर बना रहा है इसका, जो जाकर वापस आने के लिए जो टाइम लग रहा है ना उसको, जैसे मान लो कि ये यहाँ से गया और जाकर इसको वापस आने के लिए 5 सेकेंड लग गए, तो जो 5 सेकेंड बन जाएंगे ना, ये टाइम बना है टी बराबर 5 सेकेंड, तो ये 5 सेकेंड बन जाएगा इसका दौर। तो ये होता है दौर, ऐसी हरकत जिसमें वक्फा बार बार दोहराई जाए, हरकत को दोहराया जाए, इसको कहते हैं दौरी हरकत। एक मुकम्मल या एक दौर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त वक्त दौरा कहलाता है। ये जो टाइम पीरियड है जिसको हम कह रहे हैं टाइम पीरियड, इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड, उर्दू में कहते हैं वक्त दौरा। उसके बाद मिसाल हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें हमने बोला है जमीन के अतराफ चांद की हरकत जो होती है, जमीन के अतराफ चांद की हरकत ऐसी, इसी तरह सूरज के अतराफ सियारों की हरकत और इलेक्ट्रॉन के मरकजे की हतरफ, सॉरी इलेक्ट्रॉन की जो हरकत होती है मरकजे की जानी, ठीक है? मरकजे के अतराफ जो इलेक्ट्रॉन हरकत करता है, ये एग्जाम्पल को मैं सही कर लूंगा नोट्स में। तो ये सभी क्या है, दौरी हरकत बनती है। यकसा रास्ते पर जर्रे के आगे और पीछे की हरकत भी दौरी हरकत की मिसाल है। इस तरह हरकत इरतियाशी या एहतजाजी हरकत कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इसके बेसिक पॉइंट बताया हूँ जिसमें हमने ये सारी चीज़ों को समझा है। इसके बाद अपने को समझना है, इसके बाद जो है हम देखने वाले हैं
आज का क्या टाइम होना है अभी, वैसे कितना लंबा लेक्चर चला है अपना। तो चलो ठीक है, आज के लेक्चर को तो मैं फिलहाल यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद जो है अगले लेक्चर में मैं अभी कोशिश बात की करूँगा कि आप लोगों को रोज़ाना एक लाइव लेक्चर दे दूँ यूट्यूब के ऊपर। तो आप रोज़ाना जो है रोज़ाना मेरे चैनल के ऊपर आ जाइए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको एक रोज़ाना लाइव लेक्चर दे दूँ। और ऐसे एहतजाज जो हमने नया चैप्टर शुरू किया है ऑसिलेशन क्लास 12 फिजिक्स का, तो आप ये लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। और जो लेक्चर्स देखने के लिए जो बच्चे आ रहे हैं अभी न्यू स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो जैसा आज मैंने ये चैप्टर शुरू किया हूँ और इसमें आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। एक एक करके मैं टॉपिक यहाँ पर कवर करते हुए चलूंगा, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से समझ में आएंगी। स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।